नौजवान। बदबू आ रही है, तुम किसी काम के नहीं हो। मैं कोशिश करता हूँ। मोहतरमा, आप जो कह रही हैं वो बहुत ही सही है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? राजकुमारी के लायक नहीं है। मैं हारी। जीतने हारने से आपको कोई मतलब नहीं, आपने पहले मुझे बचाया, ये तो हमारे गुणों की बात है। आप मुझसे भी ज्यादा प्रशिक्षित हैं, मैं हार स्वीकार करता हूं। ए, तुम नहीं, मेरी बेटी हारी है। क्या बात है। तुम बेहतरीन हो, बिल्कुल मेरी तरह। तुम ही मेरे जवाई राजा बनोगे। मैं यहाँ शादी के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि महाराज मुंह से मिलने आया हूँ। मैं ही महाराज मुंह हूँ। क्या बात है मेरे जमाई राजा। महाराज मुंह, मेरा नाम है यांग जुंगबाओ और मैं सोंग राजवंश से आया हूँ। हमारी सेना को काफी नुकसान हुआ है। मैं यहां पर आया हूँ राजा मुंह से वो लकड़ी का बना ड्रैगन लेने। नहीं मिलेगा। पिताजी, शाही दरबार में मुझे गलत ठहराया गया, मेरे परिवार को निर्वासित कर दिया गया। तुम्हारी माँ की
असमय ही मृत्यु हो गई। इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं की जाएगी। ज्यादा बोलोगे तो किले से बाहर फेंक दिए जाओगे। महारानी जी और तीसरी राजकुमारी, महारानी साहिबा, जो सबसे ताकतवर सैनिक थे सॉन्ग सेना के, हमने उन्हें हराकर स्वर्ग द्वार रचना से हमने उन सबको मार डाला। पर अफसोस की बात यह है कि उनमें से अभी भी काफी कुछ बचे हैं। अगर हम जीतते हैं तो सॉन्ग सेना इससे कभी भी बच नहीं पाएगी, तो हम बहुत आराम से उनके क्षेत्र में घुस जाएंगे महारानी जी। बहुत अच्छे गुरु जी। यंशु, ये स्वर्ग द्वार रचना बहुत ही प्रभावी है। माँ, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, जो स्वर्ग द्वार रचना है खुद एक बहुत बड़ी भूल भलैया है। मुझे लगता है कि उसमें एक मृत्यु रचना भी लगा सकते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान सही है, धुन में मति भ्रम करने का जहर है, बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं। राजकुमारी यल्वियांशु काफी समझदार है। वैसे सही कह रही हैं, स्वर्ग द्वार की रचना बहुत सारी है और उनकी धुंध में एक किस्म का जहर है जिसे धतूरा कहते हैं। वो धतूरा लोगों को भ्रम में डालता है, लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। उसके बाहर एक किस्म का जाल है जिसमें अगर एक बार कोई प्रवेश कर जाए तो वो अदृश्य हो जाएगा। ये आठ परछाइयों के द्वार एक किस्म की जादुई मृत्यु रचना बना देते हैं और सेना बिना लड़े ही जीत जाती है। ये तो एकदम अद्भुत है और इसका इनाम आपको स्वयं भेज दिया जाएगा। आशा करती हूँ आप अभी भी हमारी सेना के लिए काम करेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूँ महारानी। आप जा सकते हैं। जी यांशु, तुम्हें क्या लगता है? जहाँ तक मुझे लगता है, जो स्वर्ग द्वार रचना है वो काफी अद्भुत है, लेकिन वो अभेद्य नहीं है। जब तक धतूरे के जहर पे काबू पाया जा सकता है, रचना भेदी जा सकती है। इस दुनिया में काफी सारी चीजें हैं जो उसे भेद सकती है। मैं भी उसी के लिए चिंतित हूँ। मैंने काफी समय तक दक्षिण राजवंशियों की संस्कृतियों के बारे में पढ़ा है और मेरी यात्रा में बहुत सारी ज्ञानी औरतें मिली हैं जो काफी कुछ धतूरे के जहर के बारे में जानती हैं। उस औरत की अलग ही पहचान है। ओह, वो और यांग का परिवार सदियों से दुश्मन है। चुपचाप से चलो, शांत हो जाओ। छोड़ो, चलो बैठो। राजकुमारी साहिबा, आपके होने वाले पति बहुत ही आकर्षक है। होने वाले पति? अभी राजकुमारी की शादी नहीं हुई है, वो बाहर से आए हुए राजकुमार है। ठीक है ठीक है, आप सब जाइए। राजकुमारी मो, मैं आपको ढंग से जानता तक नहीं और आप ये क्या षड्यंत्र रचा रही हैं? देखो, ऐसा तो मत बोलो। प्रतियोगिता के नियम काफी ज्यादा स्पष्ट थे। तुम उस समय अखाड़े में थे और तुमने मुझे हरा दिया। अब शादी तो करनी ही होगी। मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। आपको पता, ये सब मैं चाहता ही नहीं था। तो फिर ऐसा करते हैं, फिर से लड़ते हैं। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम मुझसे शादी करोगे। मौका दिया मैंने,
क्या लगता है मैं तुम्हें हरा नहीं सकती? आप लड़ने में बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप सेना के साथ लड़ोगी तो बहुत ही बड़ा फर्क आ सकता है। कितनी शर्म की बात है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। अपनी सेना के बारे में भूल जाओ और अब यहीं पर रुको। इसका ख्याल रखना। जी। महारानी साहिबा, तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम्हारा नाम क्या है? जियो योजिन। यांशो कह रही थी कि तुम यांग परिवार की दुश्मन हो, पर क्यों? मैं नहीं बता सकती माँ, योजिन का बीता हुआ कल काफी दुख में गुजरा है। तुम काफी अलग हो और मुझे पसंद आई। जब काम खत्म हो जाएगा तुम्हें क्या चाहिए इनाम में? यांग यांजो की मौत। महारानी साहिबा, ये चियो चिन्ह है। ये बहुत माहिर है धतूरे के क्षेत्र में। ये मदद करेगी स्वर्ग द्वार रचना को सुधारने में। मैं खुद बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ धतूरे को सालों से, और ये तो भूलने की बात ही नहीं। स्वर्ग द्वार की रचना का कोई भेद नहीं है। गुरुजी शायद खुद पे ज्यादा ही विश्वास करते हैं। लड़ाई के मैदान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या आप संभाल लेंगे जब चीजें खराब हो जाएगी? राजकुमारी सही कह रही हैं, पर मुझे पता नहीं कि ये हमारी मदद कैसे कर सकती हैं। क्या गुरुजी को गर्मी नहीं लग रही? महारानी जी मुझे क्षमा करें। अब आपको कैसा लग रहा है गुरुजी? गर्मी नहीं, मेरे जैसा महामूर्ख कोई नहीं। आप मुझे कुछ सिखा सकती हैं? आपने कभी कुछ सुना है गुरुजी काले धतूरे के बारे में? ये एक हथियार है जो मू परिवार छोड़ के गए थे। सबके सब मारे गए जब लायो ने आक्रमण किया था, और फिर अब सारे हथियार हमें मिल जाएंगे। मू परिवार के हथियारों का सम्मान, ये काफी अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं यहां से चलती हूं। खिड़कियां ध्यान से बंद कर लेना। उस ओर एक पगडंडी है। जब मैं बच्ची थी तो राजकुमारी और मैं यहीं से छुपके निकलते थे। काफी समय से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। लगता नहीं कि अब सुरक्षित होगा। राजकुमार यांग, खिड़कियां ध्यान से बंद कर लेना।